गुजरात के सरदार सरोवर बांध पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाई जा रही लौह प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लौह संग्रहण सहयोग समिति की बैठक आज भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा समिति के प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश की आजादी में अहम योगदान है। गुजरात में बनने जा रही उनकी प्रतिमा के लिए देश भर से लोहा एकत्रित किया जाएगा। ये लोहा खेती के लिए काम आने वाले औजारों से लिया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था और उनकी प्रतिमा देश के साथ दुनिया भर में एकता का संदेश देगी। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले देश भर में वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी हो चुका है। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन 23 दिसंबर को हुआ था। आज पूरे प्रदेश में तीन स्थानों पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से बैठक हो रही है। महाकौशल में, मालवा में और आज एक बैठक भोपाल में है मध्य भारत क्षेत्र की। इस बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष और बाकी हमारे प्रमुख जो उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं जिनको तय किया है इस काम के लिए, उन सब की बैठक है। लो अयस्क एकत्रीकरण करने का मामला यह सामान्य मामला नहीं है। लोहा खरीदा भी जा सकता है, लोहा एक जगह से भी इकट्ठा किया जा सकता है। इसके पीछे का जो भाव है वो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की एकता के प्रतीक हैं। सरदार पटेल को राजनीतिक कारणों से कम आंकने का प्रयत्न एक समय में किया गया, योजनाबद्ध तरीके से किया गया, और सरदार पटेल के व्यक्तित्व को उभारने की जितनी आवश्यकता थी वो उभारा नहीं गया। देश के वर्तमान पीढ़ी भी सरदार पटेल को जाने और देश के भविष्य की पीढ़ी भी सरदार पटेल को पहचाने, इसके लिए यह कार्यक्रम तय किया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा गुजरात में सरदार भाई पटेल को निमित्त मानकर स्थापित की जा रही है। गौरतलब है कि गुजरात के सरदार सरोवर बांध के पास वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जानी है। यह प्रतिमा पूरे देश की प्रतिमा है। यह प्रतिमा एकता के लिए है, यह प्रतिमा एकात्मता के लिए है, यह प्रतिमा राष्ट्रवाद के लिए है, यह प्रतिमा देशभक्ति जागृत करने के लिए है और यह प्रतिमा देश के ही नहीं दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। ये बड़ा मतम इस प्रतिमा स्थापना के पीछे है। इस प्रतिमा में देश का आम गरीब किसान भी अपनी सहभागिता कर सके, इसलिए हमने कोशिश की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांव के प्रतीक थे, खेती किसानी के प्रतीक थे, इसलिए किसानी के क्षेत्र में काम आया हुआ कोई भी औचार उसका थोड़ा सा टुकड़ा लो अयस्क के रूप में इस प्रतिमा में लगे, जिससे देश के लाखों लाख गांव में बैठा हुआ किसान ये कह सके कि यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मेरे योगदान के कारण बनी है। यह भाव इसमें से निकलता है और इस व्यापक परिप्रेक्ष्य वाले कार्यक्रम की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, मध्य प्रदेश में भी कर रही है और इस पूरे कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से एक अच्छे माहौल का, अच्छे वातावरण का देश में निर्माण होगा, उसका फायदा भारत की एकता और एकात्मता को मिलेगा। ये मिस टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।